एवरीवन, दिस इज मुमताज जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रागली स्टाइल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ब्लू हेवन के काजल का रिव्यू, और ये है ब्लू हेवन 2X इंटेंस ब्लैक स्टॉक काजल। और सबसे पहले हम इसकी प्राइस एंड पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस है 130 रुपीज़ ओनली, और 0.35 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में ये आपको मिलता है, और 3 ईयर की सेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है। सो विच इज़ अ ग्रेट और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सो नाउ अभी हम बात करते हैं पैकेजिंग। तो आप देख सकते हैं जो नॉर्मल पैकेजिंग होती है उसी तरीके की पैकेजिंग है, और इसकी अच्छी बात ये है कि ये बुल्ट इन शार्पनर के साथ में ये आपको रिसीव होता है। तो मैं अभी इसको जो है कई बार यूज़ कर चुकी हूँ इस प्रोडक्ट को। इसकी आउटर पैकेजिंग को हम साइड में रख देते हैं, और कुछ इस तरीके का जो है काजल आपको रिसीव होगा। और इसकी कैप जो है काफ़ी टाइट है, खुलने वाली नहीं है, काफ़ी पसंद आई मुझे। प्रोडक्ट क्वांटिटी आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी सही है, ठीक ठाक ही है, और जेड ब्लैक इसका कलर है, मुझे कलर भी काफ़ी अच्छा लगा है। अभी हम बात करते हैं इसके शार्पनर की। तो आप देख सकते हैं इसमें इधर की पीछे की साइड में जो है शार्पनर दिया हुआ है। ये चीज़ मुझे इसकी जो है प्लस पॉइंट लगा है, अच्छी बात लगी है मुझे इसकी। ज़्यादातर काजल्स में क्या होता है कि शार्पनर नहीं ही दिया होता है। जब आप उसको अप्लाई करते हो, डे बाई डे यूज़ करते हो, तो जो उसका पॉइंट है वो थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में शार्प होता है, काफ़ी पतला होता है, थिन होता है, तो इजी टू अप्लाई हो जाता है। उसके बाद में जो है यूज़ करते करते थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो मतलब उतना अच्छा लुक नहीं आ पाता, फिर आपको उसको अच्छे से फिनिशिंग देनी पड़ती है अपने काजल को। तो ये चीज़ इसकी मुझे सही लगी है, ये इसका प्लस पॉइंट लगा है। ओके, अभी बात करते हैं हम इसके कलर पे ऑफ की। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो, एक बात और मैं आपको बता दूं, आप जब भी काजल का यूज़ करें तो हमेशा इतनी से ज़्यादा काजल कभी भी ना निकालें। देखिए बहुत थोड़ा सा, जितना मुझे ज़रूरत है सिर्फ उतना ही मैंने निकाला है। तो ये देखिए वन स्वाइप में ही जेट ब्लैक कलर है इसका, एकदम कलर पे ऑफ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है। और थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, फ्यू सेकेंड में ही ये ड्राई हो जाएगा। सो हम उसके बाद में इसको चेक करते हैं। ओके, अप्रॉक्स 1 मिनट हो चुका है इसको हमें अप्लाई किए हुए, अभी देखते हैं ये स्मच होता है या नहीं। सो एज यू कैन सी मेरी फिंगर भी हल्की काली हो चुकी है, और ये लिटिल बिट जो है स्मच हो रहा है। और अभी मैं अपनी आंखों में जो है काजल अप्लाई करूँगी, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लू हेवन का काजल, और इसको मैं इधर रखती हूँ, और इसको मैं अपनी आईज में जो है अप्लाई कर लूँगी। और अभी मैं जो है काजल अप्लाई कर लेती हूँ अपनी आईज में। काजल लगाते ही आपकी आईज का जो लुक है वो एकदम से चेंज हो जाता है। और इसको ही मैं हल्का हल्का सा अपनी बहुत ही लाइट लाइट सा लगाऊंगी, ताकि ज़्यादा हैवी ना लगे। और बहुत ही लाइट लगाया है जो कि आईलाइनर का भी काम कर रहा है। ओके, आपने देख लिया कि इसका एप्लीकेशन किस तरीके से आपको करना है। कल
कलर पे ऑफ काफ़ी अच्छा है। राइट नाउ मैंने इसको ही अपनी आईज में यूज़ किया हुआ है, वेयर किया हुआ है। बट मैं अभी बात करती हूँ इसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। सो काजल मुझे ठीक ठाक ही लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा है, प्राइस के अकॉर्डिंग जस्ट ओके है। ब्लू हेवन एक इंडियन ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, बट ये जो काजल है मुझे ओके लगा है, क्योंकि ये स्मज होता है जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ घंटों बाद आप देखेंगे कि हल्का हल्का जो है गर्मियों में जब स्वेटिंग होती है तो ये काजल जो है हल्का स्मज करने लगता है। और जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो अब परचेज़ किया है तो फेंकूँगी तो नहीं, अप्लाई ही करूँगी, बट फिर भी वो मज़ा नहीं आता काजल अप्लाई करने में जो अदर काजल जो भी अफोर्डेबल और बेस्ट होते हैं, मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने आईज़ में तो मुझे एक हैवीनेस सी फील होती है इसको अप्लाई करने के बाद में अपनी आईज़ पे, एक हैवी सा फील होता है और कुछ कुछ ना खुजली टाइप का आँखों में लगने लगता है मुझे, जो कि अदर काजल के साथ में नहीं लगता था। ये मुझे बट क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं लगी है मुझे इसकी स्मज होता है, खुजली भी और हैवीनेस भी फील होती है। तो मैं आपको इससे रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ, अगर आप इसको यूज़ करना चाहती हैं तो डेफिनेटली कर सकती हैं, बट मैं इसको दोबारा परचेज़ नहीं करने वाली हूँ। सो यही थी आज की वीडियो, होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।